हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो सभी लोग? तो स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर अपनी इस यूट्यूब चैनल पे। तो ये यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो भी स्टूडेंट क्लास 10th में, 11th और 12th में, आज की इस वीडियो में उन्हीं के रिगार्डिंग बात करेंगे। यानी कि उनका एग्ज़ाम जो है अब रेगुलर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 2022 के, उनका जो यहाँ पर एग्ज़ाम है, आपको मालूम ही होगा आपका एग्ज़ाम जो है अब मास सेक्शन हो गया है क्लास 10th से लेकर 12th तक। अभी क्लास 8th 9th की कोई भी यहाँ पर न्यूज़ निकल कर नहीं आ गई, जब आएगी तो मैं आपको अपडेट करूँगा। लेकिन कहते हैं कि इस साल जो है क्लास 8th 9th का एग्ज़ाम अपने टाइम में, यानी अक्टूबर टू नवंबर में लिया जाएगा, लेकिन अभी भी सोर्सेस हमें नहीं मिल रही हैं कि कब तक आने के चांस हैं, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है वो डेट जो है वो रिलीज़ किया गया है कि एग्ज़ाम जो है वो कब होने वाला है क्लास 10th से लेकर 12th तक। एनुअल रेगुलर हो, यानी कि जिनका जम्मू का प्रिवेंस है या कश्मीर प्रिवेंस है, तो उनका यहाँ पर जो है एग्ज़ाम डेट जो है वो सामने निकल कर आ गया है, ठीक है। तो आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सिलेबस जो है वो क्या रहेगा 10th से लेकर 12th तक, मॉडल पेपर जो है वो कैसे आते हैं, क्या नहीं आते हैं, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप सभी लोगों को, ठीक है। उससे पहले मैंने सिलेबस जो है वो क्लास 10th का और 12th का ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, 11th का भी किया हुआ है। तो आप एक काम कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उसके बाद आप जो अगर 10th में तो 10th का आप रिज़ल्ट, ये सिलेबस जो है वो आराम से देख सकते हो। अगर आप 11th में तो 11th का, 12th में 12th का देख सकते हो, ठीक है। मॉडल पेपर जो है वो मैंने 10th के सारे मॉडल पेपर ऑलरेडी जो है वो अपलोड किए हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे, तो आप वो चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि जो मैंने मॉडल पेपर जो है 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का और इंग्लिश का मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, और 12th का मैंने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी मैंने डिस्कस की हुई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। मगर यहाँ पर बात हो रही है कि टोटल मार्क्स जो है वो पास कितने होते हैं रेगुलर स्टूडेंट्स को, ठीक है। आपको मालूम होगा कि अगर हम 10th के सबसे पहले बात करेंगे, उनमें से आपको 24 से 30 मार्क्स आपको पास करने हैं आउट ऑफ 80 मार्क्स में, क्योंकि आपको मालूम होगा 20 मार्क्स जो है वो आपको अपने स्कूल में लिए जाएंगे। और इसी तरीके से 11th 12th की अगर हम बात करेंगे, उनका जो यहाँ पर 36 मार्क्स पास है, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए पहले, सबसे पहले। इंशाल्लाह आप अच्छे से मार्क्स लाओगे, ये मुझे उम्मीद है। लेकिन बात हो रही यहाँ पर अब एग्ज़ाम जो है वो डेट जो है वो कब आपका एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे, आपको जो यहाँ पर मार्क्स सेक्शन जो है वो हो गया है, और आपका जो एग्ज़ाम है, मुझे लगता है कि आपका एग्ज़ाम जो होगा तो वो इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम मार्च में या तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में लिया जाएगा या सेकंड वीक ऑफ मार्च में लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले कश्मीर डिवीज़न का लिया जाएगा, जम्मू डिवीज़न का, उसके बाद लद्दाख का लिया जाएगा, ठीक है। उसने एक नोटिफिकेशन निकाली थी, मैंने वो डिलीट की है, वरना मैं आपको वो नोटिफिकेशन भी दिखाता। उसमें लिखा है कि जो स्टूडेंट्स कश्मीर डिवीज़न के और जम्मू डिवीज़न के स्टूडेंट्स हैं, उनका एग्ज़ाम जो है वो एंड मार्च में लिया जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो लद्दाख के स्टूडेंट्स हैं, उनका अप्रैल में लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम देखेंगे रिज़ल्ट के रिलेटेड, रिज़ल्ट फिर कब आ जाएगा, अगर मार्च में एग्ज़ाम लिया गया तो आपका रिज़ल्ट है वो है मई या जून में आपका रिज़ल्ट जो है वो निकल कर आएगा, और जुलाई से आपका फिर से एडमिशन होगा। अगर आप 10th में तो 11th का होगा, 11th में 12th का होगा, 12th तो में आपको कॉलेज में एडमिशन लिया जाएगा जुलाई 2023, ठीक है। 2023 में आपका जो यहाँ पर फिर से, यानी कि एडमिशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है जुलाई से, ठीक है। जो भी स्टूडेंट पास हो जाएगा अच्छे से, उनका यहाँ पर फिर जुलाई में एडमिशन होगा, ठीक है। ये मतलब कि स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हमें पता भी नहीं है कि हमें एग्ज़ाम जो है वो मार्च के एंड में लिया जाएगा पहले। अब प्रेपरेशन हम कैसे करेंगे? प्रेपरेशन मैंने एक वीडियो बना दिया है, कि जो मैंने एक मतलब कि टाइम मैनेजमेंट पे मैंने एक वीडियो बना दिया है, और मैंने मार्च सेक्शन पे भी एक वीडियो बना दिया है। मार्च सेक्शन में आप कैसे पढ़ाई करोगे, कैसे नहीं पढ़ोगे, तो आप चेकआउट कर सकते हो हमारी चैनल, वहाँ पर आप आराम से वो वीडियोज़ देख सकते हो। फिर आपको अंदाज़ा होगा कि पेपर जो है वो कैसे मैं मैनेज करूँ अपने टाइम, या मैं कैसे फिर अच्छे से स्कोर करूँ बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन जो थी स्टूडेंट्स के लिए थी। अगर आपको कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई को ज़रूर मैसेज करना, कमेंट करना, और टेलीग्राम ज्वाइन करना। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। दीजिए भाई को इजाज़त, किसी और टॉपिक पर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।